बात प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। पहले लग रहा था पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की नेता से मिल भी आ रहे हैं पप्पू यादव, जीतने के बाद भी प्रियंका गांधी से मिले, फिर अब महागठबंधन अगर बीमा भारती को समर्थन देने का तय करता है तो पप्पू यादव कांग्रेस में हैं या महागठबंधन का हिस्सा है, तो महागठबंधन के धर्म के मुताबिक उनको बीमा भारती को समर्थन देना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव तो प्रशांत किशोर के साथ मिलने जा रहे हैं, पप्पू यादव क्या करने जा रहे हैं? ये रोज दिन नई नई बातें सामने आती है। आखिरकार पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी से किस लिए मिलने जाते हैं? फिर वो कांग्रेस के दफ्तर में वो चादर क्यों, अंगोछा क्यों पहनते हैं? कांग्रेसी बनने की बात क्यों होती है? और फिर अचानक वो निर्दलीय हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि वो वायनाड जाएंगे, फिर कहते हैं कि वो अमेठी जाएंगे, रायबरेली जाएंगे, फिर प्रियंका गांधी से मिलते हैं, फिर राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं, फिर रुपौली में वो प्रशांत किशोर से मिलने लगते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, ये रुपौली में हो क्या रहा है? पूर्णिया में जब से चुनाव का डिक्लेरेशन क्या हुआ लोकसभा चुनाव का, तब से वहाँ चुनाव कम और नाटक ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लगता है आप सारे नेता इतने तरह का अभिनय कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि असली अभिनय करने वाला है कौन, कौन बेहतरीन एक्टर है। पहले तो बीमा भारती सस्पेंस बनाए रखी कि अब देश मंडल लड़ेंगे, फिर हुआ कि अब देश मंडल नहीं, अब बीमा भारती लड़ेंगी, उसके बाद पहले हुआ कि सीपीआई लड़ेगी। मतलब जितनी रस्सा कसी कचम कच दिख रहा है वहां पर, उससे एक बात साफ लग रहा है कि पूर्णिया की तरह ही रुपौली का उपचुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हमारे जितने को पैनलिस्ट साथी उनको भी नमस्कार। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल उसी लाइन पे, वास्तव में हमें लगता है कि पूर्णिया की तरह नहीं, पूर्णिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहे हैं बॉली के, क्योंकि आप जानते हैं कि बीमा भारती वो शख्सियत हैं कि ये न किने प्रकार वो 2000 से वहाँ की राजनीति में अभी हैं, और व्यक्ति वही रहता है, पार्टी का नाम बदल जाता है। मैंने देखा कि पहले वो स्वतंत्र, फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में, फिर अब जेडीयू में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में, और जिस तरह से तेजस्वी जी ने इसे बनाया अपना एक कहते हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न, वो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इमेच्योर उनका फैसला था। अन्यथा जैसा पिछली बार भी आपके यहाँ चर्चा में बातें हो रही थी कि इवन लालू जी भी तैयार थे कि नहीं छोड़ दिया जाइए इनके लिए, साधु यादव के लिए, लेकिन अब जो स्थितियां बनी हैं और जिस तरह से अस्तित्व पे संकट देखा अपना साधु यादव जी ने, उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने ये फैसला किया है, और ये उचित है राजनीति में, कि जिस तरह से बीमा भारती को उपयोग करके तेजस्वी ने उनके जड़ काटने की कोशिश की, उसका ही बदला चुकता करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी को साफ कर दिया है कि आप हमारे साथ हैं तो, आप हमारे साथ नहीं हैं तो भी हम बीमा भारती को वापस चुन कर इस सीट से नहीं जाने देंगे। अर्थात उन्होंने एक तरह से फैसला कर लिया है कि उनकी राजनीति हम खत्म करेंगे। अब देखिए, पप्पू यादव के लिए ये स्थिति है कि वास्तव में मैं गलत बोल गया नाम, पप्पू यादव जी एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित हो गए, वो तो पार्लियामेंट में चले गए, अब बारी है बीमा भारती की, बीमा भारती को कैसे खत्म किया जाए ये उनके हाथ में, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर पार्टी उनका साथ देती है तो भी, नहीं देती है तो भी, अगर वो किसी को वहां से खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पे वो वोट काटेंगे ज्यादातर बीमा भारती का, और कुछ नहीं तो उन्हें कम से कम जो उन्होंने चुनाव लड़ा जिस तरह से पप्पू के खिलाफ, उससे उसका सबक सिखाने का एक मौका है, और वही वो चाहते हैं पप्पू यादव किसी भी तरह से ऐसा सबक सिखाना, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना के तेजस्वी लड़े, अब तेजस्वी की पूरी प्रतिष्ठा इस बात पे लगी होगी कि किसी तरह से इनको दोबारा जिताया जाए, और इस सीट को किसी भी हालत में जदयू भी वापस अपने पास लाना चाहेगी, और इस ट्रायंगुलर फाइट में हमें ऐसा लगता है
हो ना हो पप्पू यादव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो इतना नुकसान जरूर कर देंगे कि बीमा भारती का जीतना बहुत संशयपूर्ण हो जाएगा। बीगार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, गो पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।